तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लूमिंग माइंड्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लास 12th और 10th के बोर्ड के एग्जाम्स है वो ऑलमोस्ट निपट चुके हैं एंड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की टेंशन भी थोड़ी बहुत कम हो गई होगी। तो हमारे साथ हैं क्लास 12th के एक स्टूडेंट, चलिए जानते हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स का एक्सपीरियंस। सो आपका नाम? केशव तोमर। सो केशव, कैसा रहा आपका बोर्ड का एग्जाम्स? बोर्ड के एग्जाम्स बहुत सही रहे, अच्छे जा रहे हैं सब। कैसा रहा आपके बोर्ड के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस भी बहुत सही था। पहली बार तो लीक था 10th में देकर आया हूं, तो लेकिन 12th क्लास थी तो थोड़ा प्रेशर भी था, लेकिन सब अच्छे से गया। लाइक अगर मैं ये पूछूं कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं इस बार बोर्ड के एग्जाम्स में? अब की बार बोर्ड में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े नए थे, जो इनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो भी हमने कर ही लिया था, ऐसी बात नहीं थी कि हमसे नहीं हुआ। तो ये चीज। और बात करें केमिस्ट्री और मैथ्स के एग्जाम्स के, केमिस्ट्री मैथ्स कंपैरेटिवली फिजिक्स के इजी आए थे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें करा रखे हैं, कुछ कुछ ऐसे भी आ रखे थे, एंड मैथ्स तो काफी इजी आ रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कितना मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं? मार्क्स अच्छा डिसेंट आ जाने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा कि डिसेंट एग्जाम कितना डिसेंट मार्क्स है आपके। चलिए, सो अगर हम बात करें ब्लूमिंग माइंड्स को लेकर, तो आपने कब ज्वाइन करा ब्लूमिंग माइंड्स? मैंने 11th क्लास में ज्वाइन करा था, 2022 में। तो तब मैं यहां पर मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ता था, फिजिक्स मैंने 12th से ज्वाइन करा। सो ऑलमोस्ट दो साल हो चुके हैं आपको। सो कैसा रहा आपका इन दो सालों का एक्सपीरियंस? दो सालों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे टीचर्स मिले वैसे मिलते नहीं है कहीं पर, जैसे मैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, जैसे टीचरों का सिखाने का तरीका था वो काफी अलग और अच्छा था। ठीक है, अगर मैं टीचर्स के बिहेवियर की बात करूं, लाइक स्टूडेंट्स के प्रति कैसा बिहेवियर था टीचर्स का? बहुत ही सॉफ्ट भी था, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी था, लेकिन अधिकतर मैं कहूंगा सॉफ्ट ही था। बच्चे को कैसे सिखाया जाए, उसको सही ट्रैक पर कैसे लाया जाए, कोशिश वही रहती थी टीचर्स की। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी कंडक्ट होती है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रैक्टिकल क्लासेस का भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। हमें केमिस्ट्री वाले सर ने टाइट्रेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस वो ही मेन था, वो कराया, तो वो भी काफी सही तरह से बहुत मदद मिली। प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत मदद मिली, क्या बात है। So, like sample papers, worksheets and previous year question paper, ये भी साथ साथ में provide किए जाते थे? साथ साथ में provide किए जाते थे। हर chapter के बाद उसकी worksheet दी जाती थी, उसके maths हो, chemistry हो, physics हो, उसके solution कराया जाता था, उसके doubts लिए जाते थे। Class में भी कुछ questions जो नहीं हो रहे वो कराए जाते थे, तो वो काफी सही था। फिर mock test, half yearly test वो भी conduct कराए गए, वो भी काफी सही था। चलिए बहुत बढ़िया। So, अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं, लाइक आप क्या परस्यू करना चाहते हैं? मैं वैसे तो एनडीए का एनडीए एग्जाम दूंगा, एंड फिर अगर हो जाए, मैंने तो ये सोच के नहीं चल रहा हूँ कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं फिजिक्स में पीएचडी करूंगा। क्या बात है, लाइक बहुत बढ़िया। सो किसी प्रकार का मोटिवेशन फिजिक्स वाले टीचर की तरफ से आपको? हाँ बिल्कुल है, सर तो हमें ऐसी ऐसी चीजें बताते थे क्लास में, और मैं ही सबसे आगे रहता था, सर ये बताइए, तो वहां से बहुत मोटिवेशन आती थी। चलिए बहुत बढ़िया। सो आने वाले जो बातचीत है, लाइक जो अभी 12th में है, उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहे तो? उनके लिए मैसेज है कि जो क्लास में सर बता रहे, चाहे वो कोई से भी सर हो या मैम हो, उनकी बात मानोगे तो ठीक रहोगे, हमने तो मानी थी। बिल्कुल। तो देखिए आपने ये टीचर्स की बात मानी, इसीलिए आपको इतना अच्छा रिव्यू जो है वो हमें मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं क्लास के अलावा बात करूँ, लाइक किसी प्रकार की कोई फन एक्टिविटीज, लाइक थोड़ा बहुत लाइक प्रेशर को कम करने के लिए अगर होती हो तो? हाँ बिल्कुल, बीच बीच में कभी समर आउटिंग, अवार्ड सेरेमनी जो हमारे सीनियर्स की थी, दिवाली सेलिब्रेशन एंड न्यू ईयर पार्टी, वो सब होता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार आपको भी अवार्ड मिलेगा? हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। सो देख सकते हैं आपके कितना गजब का कॉन्फिडेंस जो है इस बच्चे में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा भी इतने कॉन्फिडेंटली जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर करे और इतने अच्छे रिव्यूज जो है वो हमें दे, तो आप जरूर रजिस्टर करें ब्लूमिंग माइंड्स में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।